बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अंधेश्वर शिक्षा मित्रों का भला अब यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ही करेंगे। हम सभी अंधेश्वर शिक्षा मित्र सरकार के सदा सर्वदा आभारी रहेंगे। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सदा ही हमारे जीवन की रक्षा की है और करते हैं। शुरू करते हैं पूरा वीडियो विस्तार। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करने के लिए विचार किया है और जल्द उसका निर्णय लेने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक खुशखबरी और देना चाहूँगा, इसी महीने घोषणा होने वाले तमाम संविदा कर्मियों के भविष्य के लिए माननीय सुरेश खन्ना जी के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्त किया है। इससे पहले छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, चलते हैं पूरा विस्तार पूर्वक समाचार। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जैसा कि पूर्व में 2017 में हमारी बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम अंधेश्वर और शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, उसके लिए अब लगता है कि वक्त आ गया है। यूपी में बीजेपी सरकार अब हमारे लिए कुछ ख़ास जो वादे किए थे वो पूरा करने जा रही है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संचालन में उनके द्वारा। मैं अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से सभी अंधेश्वर भाई बहन, शिक्षामित भाई बहन, कुछ दिनों और धैर्य रखें, ज़रूर अवश्य हमारे इस भविष्य का निर्धारण हमारी सरकार करेगी। यहाँ पर एक और न्यूज़ दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हो SCN न्यूज़ शिवकुमार मिश्रा जी के निर्देशन में लगातार डिबेट कर रहा है अंधेश्वर की मांगों को लेकर। दिखाते हैं कुछ झलकी। सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हमारी शुरू से छोटी सी मांग रही है सर, हमारी मांग को इतना लाख लोगों की परेशानी है, पीड़ा है, फोन बार बार फोन आते हैं, महिलाओं के फोन आते रहते हैं। अगर आप हमारी आवाज उठाइए, बताइए कि हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग 2000 रुपए हम लोग सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग वी वॉन्ट जस्टिस। अंधेशक मांगे नियमितीकरण। साथियों, अंधेशक शिक्षक मित्र सभी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर एक और पोस्ट दिखाना चाहूँ जो कि हमने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से लिया। आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष रायबरेली श्री हिमांशु वर्मा जी लगातार आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के करीबियों से संपर्क बनाए रखे हैं। अतः आप सभी साथियों से निवेदन है और ये हम बताना चाहें कि निश्चित ही इस बार श्री हिमांशु वर्मा जी अंधेश्वर के हित में एक नवीन इतिहास रचाएंगे। राधे शुक्ल, पूर्व अधिवक्ता, लखनऊ हाईकोर्ट। ये एक वायरल हो रहा है मैसेज, कितनी सत्यता है ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हो, पिक भी है इसमें और हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर वर्मा विष्णु महेश बने हुए हमारी माँओं को मांगते हुए। लेकिन दोस्तों, एक बात और आप सभी को बताना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ख़राब होता है, बदलाव ज़रूर होता है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। हमको मोटिवेशन होते रहना है, अपने खुद सेल्फ मोटिवेट होना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल का रोल है कि हम किसी भाई को अवसाद में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वक्तव्य शायरी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, आपको सुनाते रहते हैं, ताकि आप संयम बनाए रखें और वी हैप्पी खुश रहें। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, कितनी प्यारी सी बातें हैं। और ये सब सारी चीज़ें हमको खुद डेवलप करनी होती हैं, अपने अंदर हर परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखना है, अच्छे रखना है और निराश नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।